मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को चैलेंज किया है कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कानूनी तकाजा कर लें। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लेकर दिखा देंगे। बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 3/4 अक्सरियत हासिल है और अली अमीन गंडापुर 3/4 अक्सरियत से वजीर आला बने हैं। हमारे यहाँ से कुछ फासले पे वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शख्स बैठा हुआ है जो जिसको अभी तक चंद महीने हो गए हैं उसको उस घर में रहते हुए, उसको अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि वो गवर्नर है। तो वो हर रोज सुबह उठ के शीशे में देखता है, पहले अपनी शक्ल देखता है, उसके बाद वो आगे पीछे देखता है कि हाँ ये है तो गवर्नर हाउस जहाँ मैं हूँ, तो अब मैं लोगों को कैसे बताऊँ कि गवर्नर हूँ। तो फिर वो बाहर निकल कर कोई ना कोई बयान दाग देता है। उसकी दो वजूहत, एक तो मीडिया में जिंदा रहे क्योंकि उसके पास करने को काम कोई नहीं है। आपने कभी उसकी मेज देखी होगी, वो मेज बिल्कुल साफ होती है, ना उस पर कोई फाइल होती है, ना उस पर कोई कागज होता है, ना उससे कोई मीटिंग करता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है। सेरेमोनियल पोजिशन है जो उसको एक सियासी डील के नतीजे में मिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो मैं समझता हूँ कि 3/4 मेजोरिटी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, किस बात के एतमाद का वोट ले। अगर आप में जुरत है और आप समझते हैं और आपको वाकई आपकी आपका जहन सही काम कर रहा है और आपको सही राय दे रहा है, तो आप वज़ीर आला से एतमाद के वोट का फॉर्मली तकाजा करें। बयानात देने की क्या तो कह के कभी इस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया, कभी उस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया।